बताइए भैया किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अभी भी तनाव सरहद पे है, तनाव अभी जारी है। पाकिस्तान ने भी कई विमान भेजे, हालांकि उनमें मार गिराया गया, कुछ अपने भी जवान घायल हुए। इस बीच में खुशी मनाया जा रहा है, कैसे देखिए ये लड़ाई का माहौल है, दुख तो है ही, लेकिन जो पराक्रम हमारे वीर जवानों ने दिखलाया, मैं खुद भी एक सैनिक रहा हूं, हमें पता है कि जब सरहद पे तनाव बढ़ता है तो हर घर में तनाव होता है। लेकिन आज जिस तरह हमारे देश के महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जो बूढ़े हैं, वो सब जिस तरह से जोश का परिचय दे रहे हैं, हमको लगता है पाकिस्तान जैसा देश को सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा और वो बर्बाद हो जाएगा। वो बहुत गलत जगह पे हाथ लगाया, हम लोग जो संयम बरते हुए थे, हिंदुस्तान का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो बोलते थे कि आप हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो छेड़ के बहुत बड़ा गलती कर चुका है। उसको पता नहीं था कि ये हिंदुस्तान है, और वो पिछला तीन लड़ाई हारने के बाद भी वो लतखोर के जैसा काम किया है, और उसको आने वाला समय में इसका परिणाम भुगतना ही होगा। अगर वो अभी भी नहीं सुधरा तो पता चलेगा कि वो विश्व के मानचित्र से उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।